नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे लिस्मैन स्टेंट के बारे में कि लिस्मैन स्टेंट कैसे करते हैं और स्मेयर कैसे बनाते हैं हम, जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर होते हैं जो DLC काउंट के लिए हम करते हैं, तो वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए वो ग्लास स्लाइड होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ब्लड को प्रिक करने के लिए आपके पास लैंसेट होना चाहिए और निडल होना चाहिए, उसके बाद जो है कॉटन स्वैप होना चाहिए, उसके बाद जो है लिस्मैन स्टेन होना चाहिए, स्टेन और डिस्टिल वाटर, या फिर आपके पास अगर बफर सॉल्यूशन है pH 6.8 का तो वो भी आप यूज कर सकते हैं डिस्टिल वाटर की जगह। तो आइए हम प्रोसीजर देखते हैं कि इसके प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर हमारा क्या है कि आप सबसे पहले जो आप 3-4 ग्लास स्लाइड ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक स्लाइड में हमारे पास रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो हम दूसरे स्लाइड में देख सकते हैं, फिर तीसरे स्लाइड में देख सकते हैं। तो आप कम से कम जो है 2 से 3 स्लाइड बनाइए। तो 2 से 3 स्लाइड हमने ले लिया और हमारे पास एक स्प्रेडर होना चाहिए सेम स्लाइड का, ताकि हम उसको ब्लड को स्प्रेड कर सके और स्मेयर बना सके इस टाइप कैसे करके। तो हमारे पास एक स्मूथ एज का एक स्प्रेडर होना चाहिए, ठीक है। अब हम ब्लड प्रिक करते हैं। तो ब्लड प्रिक करने के लिए सबसे पहले निडल जो हमारा ये, उसको हम यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने फिंगर को कॉटन से, आप हमेशा ब्लड प्रिक करने के लिए आपको या तो आपको रिंग फिंगर या इंडेक्स फिंगर यूज करना है, दूसरा फिंगर यूज नहीं करना है। अगर ये आपके पास ट्यूब में ब्लड है तो आप डायरेक्ट ट्यूब में यहाँ पर ब्लड डाल सकते हैं, फिंगर प्रिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप फिंगर प्रिक से ही ब्लड प्रिक कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले हम कॉटन से इस टाइप के हम सिर्फ रिंग फिंगर को हम इसको इस टाइप के हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। क्लीन करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, एयर ड्राई होने देंगे थोड़ी देर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बार प्रिक करेंगे ऐसे करके, इसको प्रिक कर लिया। और हमें एक एक ड्रॉप ही ब्लड डालना होगा तीनों स्लाइड पे, इस टाइप का जो हम ब्लड को यहाँ पर स्मूथ एज में यहाँ पर ब्लड। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमें जो ब्लड ड्रॉप है तो स्लाइड को हमें इसके आगे रखना होता है, ऐसे करके रखना होता है, और इसको बहुत स्लोली क्या होता है धीरे धीरे से इसको पीछे करना होता है। पीछे करने के बाद अब देखेंगे कि जो पूरा ब्लड जो है पूरा स्प्रेड हो गया स्लाइड पर, तो इसको स्मूथली ऐसे हम कर देंगे, तो ये हमारा स्लाइड हो गया। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरे में भी सेम ऐसे ही करेंगे, इसको हम पीछे ले जाएंगे और जब ब्लड स्प्रेड हो गया स्लाइड पर तो इसको धीरे से ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लाइड, स्मेयर बन गया। तो स्मेयर जब बनाएंगे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपका टेल्स और हेड अपीयर्स होना चाहिए, ना तो ज़्यादा थिन होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए, और बीच में जो है आपको लाइनिंग लाइनिंग नहीं होना चाहिए, ब्रेक करके नहीं होना चाहिए, आप एक ही स्पीड से आप उसको स्मेयर को बनाएंगे। जब हमारा स्मेयर बन जाएगा, ये 3 स्मेयर हमने जब बना लिया, अब इसको हम स्मेयर जो है उसको हम एयर ड्राई होने देंगे, ताकि ये ब्लड इस पर जो है सही से बैठ जाए और सूख जाए, तो इसको हम एयर ड्राई होने देंगे। ध्यान रखना है कि जो आपका स्मेयर वाला जो सरफेस होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये हमने इसे रख लिया, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, ये हमारा लिस्मैन स्टेन है, तो हम क्या करेंगे, लिस्मैन स्टेन हम इस पर क्या करेंगे, कवर करेंगे पूरे लिस्मैन स्टेन को कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, जो हम लिस्मैन स्टेन इसमें हम डालेंगे। ये हमारा लिस्मैन स्टेन है, तो हम लिस्मैन स्टेन को इस तरह से इस पर स्लाइड में पूरा स्प्रेड कर देंगे। इसमें हमने डाल दिया लिस्मैन स्टेन, अब इसे 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब इसे हम दो मिनट के छोड़ देंगे, 2 मिनट बाद इसे हम जो डिस्टिल वाटर होता है या बफर सॉल्यूशन से हम इसे पूरा डाइल्यूट करेंगे। हाँ,
हाँ ये अब ये 2 मिनट हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम डिस्टिल वाटर से जो हम क्या करेंगे, इसे हम डाइल्यूट कर देंगे। फिर इसे लेके ऐसे डाइल्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पूरा मिक्स करेंगे। इसको प्रॉपरली ड्रॉपर से आप पूरे जो डिस्टिल वाटर होगा उसको 10 मिनट हमारा कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसे हम फिर से डिस्टिल वाटर से इसे हम पूरा रिंज कर देंगे। कैसे रिंज करेंगे, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको हम ऐसे कर देंगे, और ये हमारा डिस्टिल वाटर है, ठीक है। ये हमारा डिस्टिल वाटर का कंटेनर है, तो हम इसमें हमारा डिस्टिल वाटर है, तो हम इसमें क्या करेंगे ऐसे करके ऐसे पूरा रिंज कर देंगे, और जो भी एक्सेस स्टेन होगा उसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। करने के बाद ट्रीट करके ऐसे हम रख देंगे, ठीक है ऐसे रखेंगे। फिर ये हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ज़्यादा तेज फ्लो में हम नहीं करेंगे ना, तो हमारा स्टेन जो है वो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा स्टेन, प्रॉपर स्टेन ये हमारा हो गया। और हम इसे हम क्या करेंगे, एयर ड्राई होने देंगे, ठीक है। तब हम इसी को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो आप इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेटर में भी रख सकते हैं ड्राई होने के लिए, या तो फिर ऐसे एटमॉस्फेयर वाइल इमर्जन लेंस पर या 40x पर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा माइक्रोस्कोप है, इसको हम 40x, ये इसको 40x पे हम क्या करेंगे, इसको हम सेट करेंगे। और जब आप माइक्रोस्कोप पे हमेशा देखेंगे तो हमेशा इसको टेल्स पे देखना है। टेल्स पे मतलब जो टॉप हो, जो लास्ट एंड होता है ना, जो हमारा स्मेल का, वहाँ पर हमें देखना होता है कि DLC कैसा दिखता है, ठीक है। तो हम पहले इसे हम माइक्रोस्कोप में ऐसे करके देखना है।